दुर्ग जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान संपन्न होने पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों सहित जिले के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही मतदान कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान संपन्न होने पर मतदान कार्य में संपन्न कराने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों सहित जिले के नागरिकों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में स्वीप कार्यक्रम की अहम भूमिका रही है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 71.68% मतदान हुआ था, तो वहीं वर्तमान लोकसभा चुनाव में 73.68% मतदान हुआ है। मतदान में लगभग 2% का इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में मतदान कराने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न कराने में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भलीभांति निर्वहन किया। वह सुरक्षा कर्मियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का भी बखूबी निर्वहन किया गया। जिस किसी को डालना है अंदर आ जाओ, और बोलो 15 मिनट बाकी है, जिस किसी को डालना है अंदर आ जाओ। चलो भाई, जो ओटी दिया जल्दी से जल्दी चले जाए। भीषण गर्मी होने के बावजूद जिले के नागरिकों ने पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उत्साह के साथ मतदान किया। लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की, जिसका नए मतदाताओं ने भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की सक्रिय सहभागिता यहां पर देखी गई। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों ने भी उत्साह पूर्वक मतदान किया, जिसका एक उदाहरण दुर्ग शहर के वार्ड 21 मुक्त नगर के निवासी बिसाहू प्रसाद शुक्ला, जो रायपुर नारायण हॉस्पिटल ICU से निकल कर दुर्ग वोट देने आए, फिर यही सेक्टर 9 में एडमिट भी हो गए। नहीं, उससे नहीं होगा बेटा, आराम से उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सभी तरह के समाचारों का पर्याप्त कवरेज करते हुए लोगों को अवगत कराया। स्काउट गाइड, NCC एवं NSS के छात्रों द्वारा मतदान सहभागिता निभाई गई, जो कि काफी सराहनीय रही। मतदान दलों को लाने ले जाने के अन्य कार्यों में लगे वाहन चालकों के सहयोग के बिना यह निर्वाचन कार्य भलीभांति संपादित नहीं हो पाता था। वाहन चालकों के पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठ होने के फलस्वरूप ये कार्य संपादित हुआ है। इसके लिए सभी वाहन चालक बधाई के पात्र हैं। साथ ही जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने भाग लिया। इनमें से कई मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया था। मतदान कर युवाओं ने मतदान केंद्रों में बने सेल्फी पॉइंट्स पर फोटो भी खिंचवाई और साथ ही देश के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने खुशी जाहिर की। इस दौरान नए युवा वोटर ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस तरह से व्यक्त करी। पहली बार कल वोट देने जा रहा हूं, इस बात को मुझे बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में कल अपने देश की सरकार चुनने के लिए वोट देने जा रहा हूं। मेरे को इस बात को बहुत खुशी है कि मैं जो वोट दूंगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जैसे जितने भी मतदाता वोट देंगे, उनका जो वोट है उससे जो भी सरकार आए वो हमारे देश के लिए एक अच्छा काम करे, और काम कुछ इस तरह से हो कि हमारे देश की जनता उससे कभी निराश ना हो, और हमारा जो देश है वो काम इतना अच्छा होना चाहिए कि हमको संतुष्टि मिले कि हमारा जो वोट है वो किसी सार्थक सरकार को लाने के काम आया, इससे हम आगे चल के और वोट देने आए। ऐसा ना लगे कि हम जो भी सरकार चुने कि नहीं, हम तो वोट देते हैं लेकिन सरकार हमारे लिए काम नहीं करती। जो भी सरकार आए हमारे लिए काम करे, हमारे देश की जनता के लिए काम करे, सभी को एक समान माने, किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबकी सरकार हो, हमारी सरकार हो। और मैं बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे को फर्स्ट टाइम वोट देने का मौका मिलेगा, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वोट के जरिए जो भी हमारे देश में सरकार बने वो सबका समान विकास करे, किसी में भेदभाव ना देखे और सबको समान अधिकार मिले। पहले हमारे देश को सोन का चिड़िया कहा जाता था, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे देश को फिर से सोन का चिड़िया कहा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। जिला प्रशासन की पहल से दिव्यांग एवं
80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदाता रथ की सुविधा मुहैया कराई गई थी, जिसका लाभ बुजुर्गों ने उठाया और अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही वरिष्ठ मतदाताओं ने कहा कि भीषण गर्मी के मद्देनज़र मतदान केंद्रों में शीतल पेयजल, मेडिकल सुविधा व अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है। उन्हें बहुत खुशी है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं। निःशुल्क परिवहन के जरिए उन्हें आवास स्थल से मतदान केंद्र तथा मतदान के बाद घर तक छोड़ा जा रहा था। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।